6 लाख विनोद की कैपिटल है, 4,20,000 मिडिल वाले पार्टनर की है, और माधव की कैपिटल है भाई 3 लाख। व्हेन दे डिसाइडेड देयर कैपिटल टू बी 450, दे डिसाइडेड इट ऑन 1 फरवरी। आपको नहीं लगता दिसंबर और जनवरी कैपिटल ये रही? इट मींस कि अगर मेरे से कहीं इंटरेस्ट इन कैपिटल पूछेगा तो 2 महीने के लिए इन कैपिटल्स पे लगेगा, फरवरी और मार्च अगले 2 महीने, 4 महीने तो बिजनेस चला, क्योंकि 1 दिसंबर को तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 1 दिसंबर को स्टार्ट हुआ और इट इज गोइंग टू क्लोज ऑन 31 मार्च, है ना? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने तो चला, राइट? 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी देनी है माधव को 2000 पर मंथ, डीड इज साइलेंट अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम इक्वल बोलेंगे, डीड में सैलरी और इंटरेस्ट दोनों के बारे में लिखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज दिस, ओके, फिर से अच्छा क्वेश्चन बनाया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, पहले 2 महीने के लिए ये कैपिटल 5% इंटरेस्ट है, 6 लाख का 5% निकाला तो 30,000 बना, ठीक है, 30,000 का 2 महीने का, चलो ये तो करके देखे ना, इंटू 2/12, उसके बाद इनकी कैपिटल 4.5 लाख हो जानी है, सो इट कम्स टू मी 5,000, पहले बंदे का पहले 2 महीने का 5,000, इसका करिए इंटू 5% इंटू 2/12, 3 2 15 3 750, 2250 है, चेक कर लो कैलकुलेशन, मेरे हिसाब से 2250 अपनी कैलकुलेशन करके देखो, 4.5 लाख के ऊपर 5% 2 महीने का कैलकुलेट करो सभी, 4,20 के ऊपर 5% 21,000, ये बताओ मेरे को 420 का 5% 21,000 बनेगा, 21,000 का 2/12 छे पे गया, 3 2 जा और ये बनेगा 10,500, फिर 2 पे गया कितना, 10,500 का हाफ कितना बनता है 5,250, चेक करो इसका भी, इसका ज्यादा कैसे आ गया, इसका उससे कम होगा, हाँ 4,20,000 इंटू 5% इंटू 2/12, यस 2/12, 4,20,000, हाँ 3,500, ओके। अब इसकी कैपिटल 4.5 लाख हो जानी अगले 2 महीने के लिए, ठीक है, 4.5 लाख के ऊपर वो तो सेम ही रहना सबका, वो तो सबका सेम रहेगा ना, तो इसका कितना है 2,250, इसकी कैपिटल पहले कितनी है 3 लाख का 5% 15,000, 15,000 का 2/12, इसी का हाफ कर दो, ये 5,000 था, ये 2,500 होगा मेरे हिसाब से, चेक कर लो, और 2,250, हाँ जी 7, कैलकुलेशन चेक करते जाना एंड में आके प्रॉब्लम ना आए, 7,250, 5,750, 4,750, ये तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तभी हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता चलेगी, क्योंकि पूछा ही शेयर ऑफ प्रॉफिट है, सो हियर आई गो विद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना 12,100, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही बहुत ज्यादा है भाई, पूछी क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ, तो फिर क्वेश्चन तो आसान है, ये हम क्यों कर रहे हैं वैसे, व्हाई वी आर डूइंग इट, सारी डिटेल देने के बाद उसने पूछा क्या प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ इक्वल, ना बस खत्म है पूछ, ये तो बहुत आसान बना दिया, आई तो स्टार्टेड द कैलकुलेशन, है ना, मेरे को लगा शेयर ऑफ प्रॉफिट एक पार्टनर का पूछेगा, वैसे केस पता क्या बन रहा है, अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछ लेता, है ना, वो पूछा ही नहीं कुछ भी, पूछा कौन सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वेरी इजी क्वेश्चन ही हैज फ्रेम्ड, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, व्हाई वी वर डिस्कसिंग इट, चलो जी ये नहीं कर सकते, 30th नहीं कर सकते, 31st भी नहीं कर सकते पार्टनरशिप, हाँ जी बोलिए क्या, ये कैसे है? क्या है, एक मिनट,
पूछा क्या है? पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यही तो पूछा है। ओके एज एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, तो एप्रोप्रिएशन की रेशियो में जाएगा ना प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन का टोटल करना पड़ेगा। यू आर राइट, इतना आसान नहीं डालेगा। 7250 5750 4750, एक बंदे की सैलरी भी है, माधव की सैलरी है 2000 पर मंथ, 4 महीने की देनी भाई 8000, माधव का 8। चलो जी एप्रोप्रिएशन का टोटल करो, 7250 5750 दैट विल बी 12750। अब कैंसिल करना आप, वो करो आप, वही रेशियो आएगी, करो कैंसिल करके देखो। हाँ फाइव पे यही रेशियो बेटे, कैंसिल करना क्या, ये अप्रोप्रिएशन की रेशियो आई है, अप्रोप्रिएशन का टोटल ज्यादा है। मेरे तो एक पार्टनर को 12750 मिलना चाहिए, जबकि मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट 12100 है। 00 तो सबके कैंसिल करो, 5 पे कैंसिल करके बताओ मेरे को, देखो सेम आती है रेशियो। 725 575 1275 सॉल्व इट, 5 के टेबल पे पहले सारा चला जाएगा। देखो स्पीड अप, यस दिस इज 32nd। अजय इज टू विनोद आर टू पार्टनर्स वंस अगेन, दिस टाइम दे स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st September, तो 6 महीने की बात होगी अगर कोई मंथ वाइज कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों की कितनी है, 3:2। विनोद की ड्रॉइंग है 4000 एट द एंड, 6 महीने करेगा, जब एट द एंड होता है तो, हाँ जी एट द एंड होता है तो क्या है, 7 मंथ है। अच्छा अगर 30 September, October, November, December, January, February, March, 7 मंथ है, बिल्कुल ठीक है। कितने परसेंट है, पहले तो 7 महीने के लिए होगी इसकी ड्रॉइंग, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, एंड में है तो 6 महीने, फिर 0 3 ना, 7 महीनों के लिए 3 महीने का, हाँ 6 मंथ्स का 12 है ना, फिर रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग पूछेगा, मेरे को तो पता नहीं है, मैंने वैसे फॉर्मूला बना के रख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, एज पर द पार्टनरशिप डीड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%, मैंने रेट को रिप्लेस कर दिया 8% से। फास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, अभी तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, हाँ लास्ट विड्रॉल है पर 7 मंथ्स के लिए, तो विड्रॉ किया 1 September को तो बिजनेस स्टार्ट हुआ करना है। अच्छा मैं 3 आएगा 3/2 8% से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर दिया, बट इट वॉज फाउंड दैट एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज चार्ज बाय 8% रेट था, ये करेक्ट है, और हमने 5% से चार्ज कर दिया। पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। दे डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, मेरे को सारा टेबल बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट भी बताओगे। पास एडजस्टमेंट में आसान है, दो ही पार्टनर्स हैं, ठीक है। ये कॉलम है भाई अजय का और ये कॉलम है भाई विजय का, मैं इनको दो हिस्सों में बांटा करती थी, अगर आपको एनालिसिस टेबल याद हो तो। आप पुराने वाली इंटरेस्ट ऑन, ये वाली सही वाली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालें, ठीक है, फिर गलत वाली निकालें, जो सही वाली है उसका क्या इफेक्ट होगा, जो सही वाली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो कैपिटल में से डेबिट होगी, जो पुराने वाली है वो कैपिटल में क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, मतलब जो गलत है, यही है ना। चलो जी करके देखते हैं, बाय मिस्टेक हमने 5%, वो बाद में करते हैं, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सही वाली निकालो, और एक ही बंदे का है ना, दूसरे ने कोई ड्रॉइंग नहीं ना करी, दूसरे का कुछ भी नहीं है ना, हाँ चलो ठीक है, फिर आसान ही है, करो 28000 इंटू 3/12 इंटू 8%, 4 पे गया ये 7 आ गया, 20 कैंसिल हुई, 560 है, कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लेना, मेरे से कोई गलती ना हो जाए, 560 डन। चलो ये अब मैंने 5% से निकालना है, 28 एज इट इज रहा, 3 महीने एज इट इज रहा,
लेकिन अब 5/100 हो जाएगा, ये 4 पे गया 700, 7000, 2 0 गई, ये आया 350। तो क्या करूं विनोद में, विनोद में क्या करूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपने 5% से कैलकुलेट कर ली, करनी 8% से थी। पहले तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो, दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा है 210। मींस आपने इनकम दिखानी थी 560, आपने इनकम कितनी दिखाई 350, इट मींस कि 210 का जो प्रॉफिट था आपने आपने कम दिखाया, मींस आपने अपने पार्टनर्स को कम प्रॉफिट दिया है। अब 210 को पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करो, उतना प्रॉफिट और दो, मींस विनोद में 210 का 3/5 × 2/5 करो जी, 5 पे जाएगा कितना 42, हाँ 84 रुपीस मैं विनोद को क्रेडिट कर दूं प्रॉफिट का, पता है ना डबल इफेक्ट है। अब क्या करें विनोद का, 560 देना था, मतलब देने का मतलब यहाँ पे मैं उलट बोल रही हूँ, वी हैव टू टेक इट फ्रॉम विनोद, फर्म के लिए इनकम है, विनोद के लिए तो एक्सपेंस है ना, 560 हम लोगों ने डेबिट करना है और 350 हम लोगों ने क्या करना है, क्रेडिट करना है। हमसे पूछा क्या, 560 इस तरफ टोटल है 4, 13, 434 ओवरऑल 26, 126 से होगा बंदा डेबिट मेरे हिसाब से है। अच्छा दोनों का पूछा ना, इट मींस कि मेरे को उसका भी बनाना है ना, उसका तो सिर्फ प्रॉफिट ही आएगा, उसने ड्रॉइंग्स करी नहीं, उसका सिर्फ प्रॉफिट पे इफेक्ट होगा, उसका प्रॉफिट अगर मैंने इसको 84 रुपए प्रॉफिट दिया है तो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट उसको जाएगा, उसका कितना होगा 210 में से 84 माइनस करो, दिस इज 6, इधर कितना रह गया 10 to 126, तो ठीक है मैच कर रहा है। अजय विल बी क्रेडिटेड विद 126 एंड विनोद विल बी डेबिटेड विद 126, है ऑप्शन अजय 126 है तो है, ठीक तो है, ठीक है, लास्ट नहीं बी है, नहीं लास्ट ही है, ठीक है, विनोद इज टू बी डेबिटेड विद 126 एंड अजय इज टू बी क्रेडिटेड विद 126, ठीक है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। सारा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ा, दो ही पुट ओनली वन पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की ट्रीटमेंट आती होगी, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट पे पता होगा तभी कर सकोगे, डन, अगेन आई एम रिपीटिंग विद प्रैक्टिस यू कैन लर्न यू कैन रिटेन। चलो 35th देखिए, 34th नहीं कर सकते, 35th देखिए, पढ़ो खुद पढ़ो, ट्राई टू गेट इट, अच्छा M की एडमिशन, फिर से एक नया क्वेश्चन बनाया, पहले तीन पार्टनर थे, चौथे पार्टनर की एडमिशन हुई, इट वॉज डिसाइडेड द रेशियो बिटवीन Z एंड M विल बी सेम एज एक्सिस्टिंग, ओके Z और M की रेशियो वो हो जाएगी, X को छोड़ दिया, जो X और Y की हुआ करती थी, मतलब 10:8 है ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, M का कितना शेयर हुआ, M का कितना शेयर हुआ, मेरे को लगता है ये वो प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है, ये शायद मैंने क्वेश्चन करवाया नहीं हुआ, नहीं ये तो अभी डिस्कस करेंगे, पहले मैं वो वाला समझाऊंगी, इसके ऊपर सर्कल करके रखो, मैंने छुड़वाया हुआ शायद था। ये ना प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बनता है, यूनिट फैक्टर बना के कुछ ऐसा, मैं हमेशा मैथ्स टीचर से डिस्कस करती हूँ, देन वी आर एबल टू सॉल्व, क्योंकि ये ऐसे लॉजिक नहीं बनता, किसी को एक्स मान के फिर करना पड़ता है, एम का शेयर गिवन नहीं है ना, एम का शेयर एक्स मानेंगे फिर होगा, ये रहने दो, अभी 36th नहीं कर सकते, आगे केस स्टडी भी 37 से 41 तक नहीं कर सकते, पार्ट टू पे आ गए, रेशियो एनालिसिस कभी आएगा हमारा कि नहीं, चलो पढ़ो assertion reason पढ़ो, 42nd में assertion reason पढ़ो, लिक्विड और क्विक एसेट्स डू नॉट इंक्लूड इन्वेंट्री, डू यू एग्री, लिक्विड एसेट में इन्वेंट्री नहीं आता, पता है ना आपको, और क्या नहीं आता, और क्या नहीं आता लिक्विड एसेट में, टू
बेटे करंट एसेट में लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट नहीं आते, ये क्विक एसेट की बात हो रही है, इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंटरी नहीं आता। हाँ इसमें भी नहीं, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि करंट एसेट्स ऊपर वाले लेने हैं जो ऊपर फर्स्ट फॉर्मूला में लिए, ठीक है। बट बेसिकली फॉर्मूला अगर कोई लिक्विड एसेट का पूछे तो अपने करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंटरी लिखना, ठीक है। इट इंक्लूड्स ओनली दोस क्विक एसेट्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। ट्रू है। रीजन, इन्वेंटरीज आर द एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, हेंस कांट बी कन्वर्ट। यहाँ पे आर वर्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए इन्वेंटरीज एंड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, हेंस कांट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो कलेक्शन ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन भी तो करेक्ट है, कहता है इन्वेंटरीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्यों नहीं लिए, क्योंकि वो कैश में कन्वर्ट ही नहीं होते। पहली लाइन पढ़ो ध्यान से, क्विक एसेट डज नॉट इंक्लूड इन्वेंटरी, है ना। अच्छा रीजन गलत क्यों, अच्छा मैंने आर की जगह एंड करवा दिया, आई वॉज जस्ट रेक्टिफाइंग इट। अच्छा इन्वेंटरीज आर एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ओके हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक है, ओनली ए इज करेक्ट, मतलब मैंने लाइन को ठीक नहीं करना, जो है मैंने उसे गलत ही पढ़ना, ठीक है। कहते हैं इन्वेंटरीज का मतलब होता है कि एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, रॉन्ग। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इज नॉट इन्वेंटरी, इन्वेंटरी इज समथिंग एल्स एंड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इज समथिंग एल्स। 43rd भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये भी सेकंड फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है हमारी उस बुक का। चलो जी, सारी रेशियोज मैक्सिमम मैंने आपको बता दी हुई है, पढ़ो कौन सा करेक्ट है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू नो दैट हाउ एफिशिएंट अ कंपनी इज, पहले तो यही गलत है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर ऑलवेज बीइंग कैलकुलेटेड टू जज द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन, मेरे हिसाब से यही ये गलत है, उसने करेक्ट ढूंढने को बोला। एक्टिविटी रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी, उलट, दोनों का उलट लिख दिया है ना। हाँ, सॉल्वेंसी रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू नो द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू शॉर्ट टर्म, ये भी गलत है। लिक्विडिटी रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू जज द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, दिस इज करेक्ट। सॉल्वेंसी रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू जज द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, नॉट द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, ठीक है। सो लास्ट वन इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। 46th नहीं कर पाएंगे, 47th मैच करवाओ। अच्छा ये हेडिंग सब हेडिंग नहीं, ये भी चैप्टर नहीं किया अभी, उस बुक के भी हमारे तीन चैप्टर रहते पहले। 48 पढ़ो। इफ डैश रेशियो इज हायर इट इज कंसिडर्ड बेटर, दिस रेशियो इज इंपॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल टू डिबेंचर होल्डर्स एंड लेंडर्स हु, यस। अच्छा इंटरेस्ट कवरेज है, इंटरेस्ट कवरेज है। इफ डैश रेशियो इज हायर दैट इज गुड फॉर देम बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर देयर इंटरेस्ट आउट ऑफ आर प्रॉफिट। डेट ज्यादा होगा लेंडर्स के लिए कैसे फायदा है, लेंडर्स के लिए फायदे वाली रेशियो है। लाइक अगर ICR कितनी है, 9 times, इट मीन्स कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, उनका प्रॉफिट 9 गुना ज्यादा है, इनके इंटरेस्ट की पेमेंट हो जाएगी। ICR देखो यही होगा करेक्ट आंसर, बी। मोहित गावल देखो बी है, ओके ICR निकालो करंट रेशियो। चलो दिस इज योर वर्क नाउ, 49th क्वेश्चन सॉल्व इट, कुछ नहीं होगा फिर, क्या हो गया पहली बार हुआ ऐसे, कोई बात नहीं छोड़ाएंगे। चलिए 49 क्वेश्चन एवरीबॉडी विल सॉल्व, हमारा है। हाँ पढ़ो फिर, 50th करो पहले। CORFO कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, चलो फॉर्मूला बोलो ITR का, दिस इज 50th ITR कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, राइट। सो ITR ही इज गिविंग मी 5 times, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरे को निकालना है। ओपनिंग स्टॉक 28,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 50% मोर देन द, 42 हो जाएगा, अगर 28 हुआ तो 14 ऐड कर लो, ठीक है। वो बन गया नीचे 28 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 2, इसकी एवरेज निकाल लो, 42 और 28 कितना बन गया 70, 70 को 2 से डिवाइड किया 35,000, 35,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, कितना बनता है 35, 5, 25, 2, 15 और 2, 17, 175, देखो आंसर है 175, CORFO, ठीक है। सर जी चेक कर लो कि में से डी ऑप्शन इज करेक्ट, गलत है। चलो 52nd पे आओ,
कम एट 52nd assertion is in, पढ़ो समय पढ़ो, पहले स्टेटमेंट पढ़ो, पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स इन कैश विल इंप्रूव द करंट रेशियो ऑफ पेमेंट. मैं बोलती हूँ पेमेंट हमने करी, लायबिलिटी भी कम हो गई और कैश भी कम हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. वी आर अज्यूमिंग कि स्टैंडर्ड रेशियो 2:1 होगी. अगर 1:1 होता फिर नो चेंज होता, आपको करवाया हुआ ना. अगर करंट रेशियो 1:1 होती फिर कोई भी चेंज नहीं होती. वी अज्यूम कि आइडियल होगी इसकी, 2:1 होगी, इसलिए क्या होगी, इंप्रूव. करेक्ट, बोथ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज हैव डिक्रीज्ड बाय द सेम. ठीक है, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, एक्सप्लेनेशन डन. हमने भी तो यही सोचा. अगला बड़ा 53rd assertion reason, read it. Yes students, a low ITR is not good for the firm. Yes, it's not good for the firm because it shows your speed to convert your inventory into sale. If it is lower, it means कि आप slow moving goods में deal करते हैं. आप सामान ले तो आते हैं लेकिन बिकता नहीं है. You are not efficient in selling. Low ratio shows over trading. कि high ratio shows over trading, I think. ठीक है, so check करो इसका answer, check करो. Only is correct, done. ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट. अगला भी कर सकते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन पे आ गए. करंट रेशियो ये है, ये हमारी बुक का ही है. अकाउंटेंट वांट्स टू मेंटेन इट 2:1. क्या करें, बढ़ाना है, क्रेडिटर्स पे कर दें, से चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन होगी. चलो एज्यूम करते हैं, है ना, एज्यूम करके होगा तो कैसे नहीं कर सकते. एट प्रेजेंट मेरे 1.5 लाख ये होंगे और 1 लाख ये होंगे तो 1.5 होगी. मतलब करंट एसेट मेरे 1.5 लाख हैं और ये अगर 1 लाख हो तो 1.5:1 आती है. हम चाहते हैं कि ये 2:1 हो जाए, मींस बढ़ जाए. पहला केस क्या मान के चले, क्रेडिटर्स आर पे करते हैं, मान लो 50,000 के पे करें, ये कितना हो गया 1 लाख. ये कितना हो गया, ये भी 50,000 हो गया. 1 लाख डिवाइडेड बाई 50,000 2:1, इट मीन्स की पहली ऑप्शन ठीक होगी. आगे और चेक करते हैं, सेल ऑफ गुड्स एट अ गुड प्रॉफिट. सामान बेचा, स्टॉक कम हुआ और क्या हुआ, स्टॉक कम हुआ, कैश भी आया, है ना. नहीं, उसका इफेक्ट बताओ. चलो सेल ऑफ गुड्स बस इतना बोलो, सेल ऑफ गुड्स, स्टॉक कम हो जाएगा, कैश भी आएगा. चलो डेटा से बढ़ा लो, कोई बात नहीं, किस जैसे मर्जी ट्वीट कर लो. मीन्स डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, न्यूमिनेटर बढ़ रहा है. रेशियो कम क्यों होगी, डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम रहे. एटा प्रॉफिट है, एटा प्रॉफिट है, कैश विल इंक्रीज, कैश ज्यादा बढ़ेगा, ऊपर वाली रेशियो बढ़ेगी. जैसे अगर मैं बोलूं 50,000 का सामान 60,000 में बेचे, एटा गुड प्रॉफिट का मतलब यही है ना, 50,000 का सामान 60,000 में बेचे, बढ़ेगी. ठीक है, लेकिन 2:1 नहीं होगी, 2:1 नहीं होगी, बढ़ेगी जरूर. हमें 2:1 चाहिए ना. थर्ड, चलो थर्ड देखो, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, सामान स्टॉक आया, कैश गया भी, नॉट चेंज. मेरे हिसाब से फिर फर्स्ट ऑप्शन ही आनी चाहिए, मेरे हिसाब से ए इज करेक्ट. देखो जरा 1 और 2 दोनों बोला ना, हाँ फिर 2:1 हो जाएगी. हाँ ठीक है, चलो ठीक है, एट द टाइम इट डिपेंड्स अपॉन योर थिंकिंग हाउ यू थिंक. 55th भी अच्छा क्वेश्चन है. अच्छा ये बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन है, वी कांट डू. ठीक है जी, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. मोस्ट प्रोबेबली आपके क्लास टीचर आपको कर देंगे गाइड कि आपको प्रेपरेटरी है कि नहीं, राइट. And OMR sheet पे अच्छी तरह से attempt करिएगा. Cutting is not allowed at all because we are preparing you for the first term. और board में cutting allowed नहीं है, right?